जगह जगह पूरे प्रदेश में व्यापारियों से फिरौती नहीं मांगी होती। गोहाना की बात करूं मैं, सोनीपत की बात करूं मैं, रोहतक की बात करूं मैं, जींद की बात करूं मैं, कैथल की बात करूं, कहीं की बात करूं, सब जगह फिरौती मांगी जा रही है गोली का राज में। तो आपको ये वोट के लिए आज करनाल में झोली भी पसारनी पड़ती। नवीन जिंदल जी को दो विकल्प दे गए थे, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो या जेल में जाओ। सच्चाई नवीन जिंदल जी जानते हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। नेताओं के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप के दौर ने सियासी फिजा को गर्मा दिया है। राज्य की हॉट सीटों में शुमार कुरुक्षेत्र में बीजेपी की ओर से पूर्व सांसद और दिग्गज कारोबारी नवीन जिंदल को उतारे जाने के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। विपक्षी इनेलो हो या इंडिया गठबंधन, दोनों जिंदल पर लगे कोयला घोटालों को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वो एक तरह से वसूल गैंग का काम कर रही है। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर नवीन जिंदल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। कोयला घोटाले के नाम पे 2014 में भाजपा सत्ता में आई थी, उनके सभी बड़े नेताओं ने नवीन जिंदल जी को कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था, किंग पिन बताया था और इसका सरगना बताया था। नवीन जिंदल जी भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके अब साफ हो चुके, अब वो भाजपा के कोयला चोर नहीं रहे, भाजपा के सिपाही हो गए। नवीन जिंदल जी की कंपनी ने 200 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे थे, क्यों खरीदे नवीन जिंदल जी बताएं। उन 200 करोड़ उन पार्टियों को दिए जो उनको चोर कहते थे, जो उनको कोयला चोर बताते थे। तो किस डर में दिए ये नवीन जिंदल जी बताएंगे। उन 200 करोड़ रुपए के बदले, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बदले नवीन जिंदल जी को स्टील और माइनिंग का सरकारी ठेका मिला, ये नवीन जिंदल जी बताएंगे। क्या वो भ्रष्टाचार के रुपए थे या ईमानदारी से चंदा ही देना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से वसूली गैंग का काम कर रही है। बीजेपी नवीन जिंदल को ईडी और सीबीआई का डर दिखा के यहाँ चुनाव में लाई है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ। नवीन जिंदल जी भी जानते हैं कुरुक्षेत्र में उनकी जमानत जब्त होने वाली है। नवीन जिंदल जी जानते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता ही उनका यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। नवीन, हमने तो यहाँ तक सुना है नवीन जिंदल जी को दो विकल्प दिए गए थे, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो या जेल में जाओ। सच्चाई नवीन जिंदल जी जानते होंगे क्या सच्चाई है। आज देश की और हरियाणा की ओर से कुरुक्षेत्र की जनता समझ रही है कि किस तरीके से चंदे का धंधा भारतीय जनता पार्टी चला रही है। भ्रष्टाचारी भाजपा को दलाली देते हैं और आराम से चोरी करते हैं पूरे देश के अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को एक्सपोज करके, जो इनकी चोरी थी उसको उजागर करके देश के सामने ला दिया है। जो भ्रष्टाचारी भाजपा से हिसाब से काम करेगा उसको लोकसभा और राज्यसभा की टिकट मिलेगी, जो ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न है। मैं अगर कैथल की बात करता हूँ, आज मैं कैथल के अंदर बैठा हुआ हूँ। 2 साल पहले यहाँ पे कारोबारियों की हत्या हुई, दो कारोबारियों को मंडी के अंदर सरेआम कत्ल कर दिया गया। उस समय नवीन जिंदल जी कहाँ थे? अगर वो इस क्षेत्र के इतिहासी हैं तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को निशाने पर लेते हुए सुशील गुप्ता ने कहा कि 9.5 साल के कुशासन के कारण ही उन्हें आज करनाल में लोगों के सामने वोट के लिए झोली फैलानी पड़ रही है। जनता उन्हें इस बार सबक जरूर सिखाएगी। मुनीश मित्तल जी के 2015 में हत्या हुई, 9 साल हो गए, आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए, परंतु आवाज उठाने वाले रोकी मित्तल को खट्टर साहब ने जेल में करा दिया। वो कैथल का रहने वाला था, उसने आवाज उठाई थी उसको जेल में डाल दिया। उसने 1500 करोड़ रुपए की हेराफेरी की आवाज उठाई थी उसको जेल में डाल दिया। मैं खट्टर साहब आपको कहना चाह रहा हूँ, आप 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर आपने व्यापारियों की रक्षा की होती, जगह जगह पूरे प्रदेश में व्यापारियों से फिरौती नहीं मांगी होती, गोहाना की बात करूँ मैं, सोनीपत की बात करूँ मैं, रोहतक की बात करूँ मैं, जींद की बात करूँ मैं, कैथल की बात करूँ, कहीं की बात करूँ, सब जगह फिरौती मांगी जा रही है गोली का राज में। तो आपको ये वोट के लिए आज करनाल में झोली नहीं पसारनी पड़ती। आपके अगर काम ठीक होते तो आज आप झोली नहीं पसारते। आज जो फिरौती मांगने वाले गैंगों को आपने संरक्षण दिया है और आपके राज के अंदर पूरा का पूरा लठ राज हो गया, कानून का राज खत्म हो गया है। देश की और प्रदेश की जनता इस बात का हिसाब आपसे करनाल के चुनाव के अंदर लेगी और ये झोली पसारना
कि ढोंगा बंद करो, आपने हरियाणा की जनता को जो तंग किया है उसका हिसाब वोट की चोट से हरियाणा की जनता आपको देने वाली है। सुशील गुप्ता ने आगे कहा कि जिस तरह बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया और कांग्रेस के बैंक खाते सीज कर दिए गए, उससे साफ है कि बीजेपी आज देश में राजनीतिक दलों के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहती है। सुभाष सुधा जी कल बोल रहे थे कि आरोप तो लगते रहते हैं। सुभाष सुधा जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप दो बात बता सकते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला था कि कोयला चोर है, या आप झूठ बोल रहे हैं कि कोयला चोर नहीं है? आपको स्पष्टीकरण देना होगा कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही आरोप लगा देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को भी ऐसे आरोप लगा के आपने अंदर डाल रखा है, वहां तो आप नहीं बोल रहे, आरोप तो लगते रहते हैं। चलते चुनाव के अंदर दो दो मुख्यमंत्रियों को आपने कैद कर लिया, चलते चुनाव के अंदर एक कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी का आपने बैंक अकाउंट सील कर दिया। आप इस चुनाव के अंदर तराजू झुका के काम करना चाहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड भारतीय जनता पार्टी आज देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों को नहीं देना चाहती। जिस प्रकार से मशीन के गड़बड़ी का आप पे आरोप लगता है, जिस प्रकार से आपने चुनाव से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा के अपनी मर्जी से नया अपॉइंट किया है, उससे लोगों का संदेह बढ़ गया। बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पहली बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की 10 में से एक सीट कुरुक्षेत्र से आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता उम्मीदवार हैं। वहीं नेलो की ओर से पार्टी के प्रधान महासचिव अभय चौटाला खुद चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने यहां से लगातार दो बार कांग्रेस की टिकट पर सांसद रहे नवीन जिंदल को मैदान में उतारा है। वहीं जेजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स के उतरने के कारण धर्मनगरी कुरुक्षेत्र हरियाणा की अब हॉट लोकसभा सीट बन गई है। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।